आईपीएल 2024 का कारवां एक बार फिर पहुंच चुका है पंजाब, और पंजाबी शेरों के लिए जीत बेहद जरूरी है क्योंकि राजस्थान के रजवाड़े बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच मुल्लापुर के नए मैदान पर मुकाबला होगा। पंजाब का ये नया होम ग्राउंड है, पिछली बार यहां पर मुकाबला हारे थे हैदराबाद के साथ, लेकिन उम्मीद है कि राजस्थान को हराकर दो अंक जो उनको चाहिए वो जरूर वो हासिल करेंगे। राजस्थान की टीम पहले पायदान पर है, वहीं पंजाब की टीम इस अंक तालिका में सातवें नंबर पर मौजूद है। पांच में से दो मुकाबले जीते हैं एक टीम ने, पांच में से चार, तो पंजाब के लिए मुकाबला मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। पिच की अगर बात करेंगे तो मुल्लापुर का ये नया मैदान है, जो विकेट है उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ा सा लाल और ब्लैक मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है वैसा नज़र आता है। विकेट बहुत फ्लैट है, पिच बहुत अच्छी रहती है बल्लेबाजी के लिए। हम सब ने देखा कि कितने अच्छे से बॉल बल्ले पर आती थी। अभी तक इस पर दो मुकाबले हुए और दोनों ही मुकाबलों में पिच बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, यानी कि बैट्समैन के लिए अच्छी पिच है। बाउंस अच्छा मिल रहा है, यानी कि आप बाउंस पर ट्रस्ट करके आप थोड़ा लूज शॉट्स भी खेल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाउंस अगर अच्छा आता है तो बल्लेबाजों को थोड़ा आसानी होती है। अगर बात करी जाए प्लेइंग 11 की तो मुझे लगता है राजस्थान की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। शायद नांद्रे बर्गर है वो वापस आ सकते हैं, और यहाँ अगर पंजाब की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अब जॉनी बेयरस्टो को बैठाने का समय आ गया है। या तो लिविंगस्टोन अंदर आए या फिर राइली रूसो को आप लेकर आइए और ओपनिंग कराइए, क्योंकि आपने इतने विस्फोटक बल्लेबाज रखे हैं तो उनका इस्तेमाल थोड़ा सा किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी रकम दे रहे हैं तो फिर बैठा कर खाली यहाँ पार्टी करने के लिए तो आए नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए टॉस प्रेडिक्शन की कि ये टॉस कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कि टॉस संजू सैमसन जीतेंगे और पहले फील्डिंग करने का फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है मुकाबला कौन जीतेगा हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।